तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। हमारे बहुत सारे सुधी दर्शकों ने, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के जो हमारे दर्शक हैं, उन लोगों ने पूछा कि आचार्य जी हम लोग पूजा अनुष्ठान आराधना बहुत करते हैं और ये खासतौर पर देखा गया कि पूजन में शहद का प्रयोग खासतौर पर किया जाता है, ऐसा क्यों है? पूजन में शहद का ही प्रयोग सबसे ज्यादा क्यों होता है? महादेव शिव का अभिषेक हो या किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना की सामग्री हो, पूजन सामग्री में आपने देखा होगा कि शहद का उपयोग पंचामृत बनाने से लेकर के अभिषेक के रूप तक में बहुत ज्यादा किया जाता है। शहद की भूमिका हमारे पूजा आराधना में बहुत ज्यादा होती है। विशेष तौर पर भगवान शिव के अभिषेक में इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। शिव पुराण में तो यह रेफरेंस या संदर्भ मिलता है कि भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से कह रखा है कि अगर शुद्ध तौर पर प्राप्त शहद आपको मिल जाता है और आप उससे महादेव शिव का अभिषेक करते हैं तो जीवन में आर्थिक समस्या कभी भी नहीं आती। यानी कर्ज मुक्ति के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, अर्थ लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति के लिए यदि आप शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आर्थिक लाभ के लिए ये माना हुआ उपाय है, माना हुआ प्रयोग है। तो शहद का सबसे प्रामाणिक उपाय तो ये हो गया। शहद में ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जिनके कारण इसे बहुत खास माना जाता है, आइए ये भी आज मैं आपको बताता हूं। वास्तव में शहद को उसके गुणों के कारण ही पूजा में, यानी ये कहा जाए कि पूजन योग्य ग्राह्य माना गया है, पूजा में प्रयोग किया जाता है। शहद जो है तरल होकर के भी पानी में घुलता नहीं है। जो प्राकृतिक शहद होता है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, प्राप्त होता है, उसकी ये पहचान होती है। शहद को चेक करने का नियम ही ये होता है कि आप किसी बाउल में, किसी पात्र में जल रखें, पानी रखें और एक ड्रॉप उसमें शहद आप गिरा दीजिए, वह उसमें घुलेगा नहीं, नीचे जा कर के बैठ जाएगा। ये असली शहद की पहचान होती है। जैसे संसार में रह कर के भी अलग रहने का भाव जो है इसका एक प्रतीक मात्र है। यह घी या तेल की तरह पानी में बिखरता नहीं है। यह पंच तत्वों में आकाश तत्व का प्रतीक भी माना जाता है। तो आप ये समझ दीजिए कि शहद जो है वह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शहद में कई सारे औषधीय गुण भी होते हैं। इसे आयुर्वेद में भी बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शहद एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे पेट और शारीरिक कमजोरी संबंधी सभी बीमारियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं के तौर पर लिया जाता है। इसकी तासीर जो होती है वो बहुत शीतल होती है, ठंडक देती है, बहुत ठंडी तासीर होती है। एक दार्शनिक कारण यह भी है कि शहद ही एक ऐसा तत्व है जिसके लिए इंसान को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन आज तो हम देखते हैं कि जो बॉटल्ड हनी आती है, जो शहद आते हैं, वो कृत्रिम प्रकार से बनाए जाते हैं। इनके भी अब जगह जगह पर फार्म होने लगे हैं। इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाने लगा है, लेकिन पुराने समय में ये बनाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। पुराने समय में ये हमें मधुमक्खियों द्वारा तैयार ही मिलता था, जो आज भी बहुत विशेष माना जाता है, बहुत शुद्ध माना जाता है। इसी कारण से इस शुद्ध पदार्थ का पूजन में प्रयोग किया जाता था। इसके निर्माण में पुराने समय में ही कोई मिलावट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये पूर्णतः प्राकृतिक और शुद्ध हुआ करता था। शहद भगवान को इसी भाव से चढ़ाया जाता है कि हमारे जीवन में भी शहद की तरह पवित्र और पुण्य कर्म आए, हमारे जीवन में भी मिठास आए, चरित्र और व्यवहार में ही शहद जैसे गुण हो जो संसार में भी रह करके उनकी बुराइयों में घुले मिले नहीं और उसमें रह करके भी उससे अलग ना हो और आपके व्यवहार में मिठास, सौहार्द रहे, प्रेम का भाव बना रहे। इस कारण से ही शहद का प्रयोग किया जाता है और खासतौर पर शहद का प्रयोग महादेव शिव की पूजा में करते हैं। धन प्राप्ति के लिए ये एक बहुत ही अचूक प्रयोग माना गया है। साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।